हर चीज में राजनीति जो है वो लगातार कहते हैं उसी जंगल राज को दिल्ली से हटाना है, उसी जंगल राज को दिल्ली से हटाना है। बीजेपी में क्या है कि अलग अलग गुट है, आपस में जो है उन लोगों में तनातनी चल रहा है कि कौन होगा भाई बीजेपी का नेता। यहाँ सम्राट चौधरी का अलग ग्रुप है, एगो विजय सिन्हा जी का अलग ग्रुप है, एगो पुराने वाले अपने मोदी जी जो है उनका अलग ग्रुप है, और सांसदों का अलग है, राज वाले लोग का अलग गुट है। तो इन लोग तो आपस में खाली कंपटीशन है इन लोगों में कि कौन कितना झूठ बोलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। देखिए, तेजस्वी यादव बीजेपी को करारा जवाब देते नजर आ रहे हैं। जंगलराज के सवाल पर बीजेपी लगातार जो कटाक्ष कर रही थी, अब उसका जवाब तेजस्वी यादव ने बीजेपी को दे दिया है। यहाँ तक कि ये भी कह दिया है कि बीजेपी के नेता मंत्री तो खुद में ही लड़ते रहते हैं, कहीं विजय सिन्हा तो कहीं सम्राट चौधरी तो कहीं मंत्री, अपने में ही लड़ रहे हैं, इन्हें खुद नहीं पता कि क्या करना है। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, आप खुद सुनिए। हर एक कृषि रोड मैप का जो है एक्शन प्लान होता है, उसका बजट होता है, प्रोविजनिंग होता है, और आपको भी पता है कि बिहार में कितना उत्पादन जो है बढ़ा है, चाहे वो चावल का हो, चाहे वो फल का हो, चाहे वो सब्जियों का हो, चाहे वो मछलियों का हो। तो ये सब उनको तो जानकारी है, कुछ भी बोलना बोलते रहे, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो बीजेपी का मतलब ही है कि लोगों में भ्रम फैलाना, अफवाह फैलाना, झूठ फैलाना, यही इन लोगों का विपक्ष का आज के दिनों में काम रह गया है। और बीजेपी में क्या है कि अलग अलग गुट है, आपस में जो है उन लोगों में तनातनी चल रहा है कि कौन होगा भाई बीजेपी का नेता। यहाँ एगो सम्राट चौधरी का अलग ग्रुप है, एगो विजय सिन्हा जी का अलग ग्रुप है, एगो पुराने वाले अपने मोदी जी जो है उनका अलग ग्रुप है, और सांसदों का अलग है, राज वाले लोग का अलग गुट है। तो इन लोग तो आपस में खाली कॉम्पिटिशन है इन लोगों में कि कौन कितना झूठ बोलेगा, कौन कितना भ्रम फैलाएगा, तो उसी पे लोग लगे हुए हैं। सवाल खड़ा कर रहे हैं लोग कि जवाब दें कि डाटा कहाँ से लाए लोग, डाटा कहाँ से लाए, डाटा फर्जी है। बोलने दीजिए, बोलने वाले को कोई रोक सकता है क्या? अब उनके जुबान को तो बंद ताला तो हम लोग नहीं लगा सकते भाई, वो तो उनका जुबान है। लेकिन इतना फर्जी इतने एकदम चाहते हैं तो भाई प्रधानमंत्री जी से करवा ले, कौन रोका हुआ है? विजय सिन्हा जो है वो पुलिस इनकाउंटर पे भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, जब कार्रवाई करती है पुलिस तो भी इनको अच्छा नहीं लगता है। जब एक पुलिस कर्मी को गोली मारा गया, उसी को लेकर ये सवाल है। नहीं नहीं, उस समय जो वैशाली में जो घटना हुई, हमको लगता है कि वहाँ के जो सुप्रिंटेंडेंट जो पुलिस है उन्होंने अपने बयान को रखा हो, तो कार्रवाई जो हुई है तो उसमें तो पुलिस तो स्वतंत्र है ना भाई, लॉ एंड ऑर्डर को काबू करने में पुलिस स्वतंत्र है। अगर पुलिस पे हमला हुआ है, गोली चला है, उसमें एक पुलिस वाले की जान गई है, उसी मतभेड़ में जो है अगर अपराधी मारे गए हैं, तो इसमें किसी को कठिनाई क्या है? सब एक स्वर से बोलते हैं कि जंगल राज की वापसी हो गई है फिर से। हर चीज में नेता जो है वो लगातार कहते हैं उसी जंगल राज को दिल्ली से हटाना है। सुना आपने किस तरीके से तेजस्वी यादव बीजेपी को जवाब देते नजर आ रहे हैं, और यहाँ तक कि जादे जनगणना को लेकर के भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर बिहार में तो ज्यादा जनगणना हो गया, रिपोर्ट भी सबके सामने आ चुकी है, देश में ये गणना कब होगा, सरकार देश में ये गणना कब करवाएगी। वहीं इसी के साथ तेजस्वी यादव ने बीजेपी को करारा जवाब दिया है। इसे लेकर जो भी अपडेट है वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ पीआर के साथ।